आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है, आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है, दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है, होम लोन में भी उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। साथियों, आज भारत का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप देखिए, चारों तरफ एक्सप्रेसवे का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जाल बिछ रहा है। भारतीय रेल आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। आज देश में नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेनें आ रही हैं, गति नहीं है, संकल्प नए है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं, और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है, वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। साथियों, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्रणी देश में पहुंच चुका है। आज भारत में गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है। आज देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। हर गरीब को मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। भाजपा सरकार में 4 करोड़ गरीब परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घर घर नल से जल, ये अभियान तेज गति से चल रहा है। आज देश में रिकॉर्ड गति से नए अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ रही है। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं, अब इससे पीछे नहीं हटना है, और पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करें। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं।
हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।